8454955555 एक नंबर है 8454955555। ये नंबर में हमारी वो बहन साहू जी ने मिस कॉल किया, चंद सेकेंड्स के अंदर क्षण भर के बाद उनके वहां मैसेज आ गया कि कल आपके घर में एलपीजी पहुंच जाएगी और बिना कोई मूल्य के पहुंच जाएगी, फ्री डिलीवरी होगी, डोर स्टेप पे डिलीवरी होगी। ये मोदी जी की सपना है, ईज ऑफ लिविंग इसी को कहा जाएगा। मिस कॉल रे बुकिंग हेबो एलपीजी रिफिलिंग। आयुसेल तरफ रु जारी हला टोल फ्री नंबर। देशवासी को सुविधा पाई सुलभ योजना रो शुभारंभ कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एणी की गोटिए मिस कॉल रे एलपीजी रिफिलिंग हेबो, बुकिंग हेउ अबा नुआ पंजीकरण होई पारिबो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे नुआ सेवार शुभारंभ करिसेंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एहि अवसर केंद्र मंत्री कहिथिले भारतर लोकंक सुविधा पाई एहि सेवा ओडिशार लोक माने उपकृत हेबे। टेक्नोलॉजी माध्यम रे शीघ्र पहुंचिबो सुविधा। बस्तीरु सहर सबुठी मिस कॉल सेवार मिलिबो समान सुविधा। देशरे विगत वर्ष तुलना रे शेष 6 वर्ष रे 16 कोटी उपभोक्ता एलपीजी सेवा पाउछंती एवं एहा आगामी दिन रे वृद्धि पाइबो। ऑयल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक तरफ रु विशेष करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तरफ रु नुआ वर्ष रे गोटिए उपहार देशर नागरिक मानकु एठी समर्पित करा गला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्पना अनुजाई डिजिटल सेवा को अधिका गुरुत्व देकी नागरिक सेवा सुविधा रे नागरिक मानकु अधिका सुविधा दिया जाऊ तार लक्ष्य सरकार रो अछि। सेही श्रृंखला रे मिस कॉल माध्यम रे एलपीजी सिलिंडर बुक करा जाई परिबो। गोटिए मिस कॉल केवल करी देले गोटिए दिन भितरे जो वितरक से ग्राहकर थिबो छि आसी घरे सिलिंडर पहुंचाई देबो। गोटिए मिस कॉल माध्यम रे नुआ कनेक्शन लागी परिबो। ये प्रकार ईज ऑफ लिविंग रा व्यवस्था नुआ सुविधा आजिठू भुवनेश्वर रे आरंभ हला। मास शेष सुद्धा सारा ओडिशा रे इंडियन ग्राहक मानकु यार सुविधा मिलिबो आउ फेब्रुवारी मास सुद्धा सारा देश रे ये टेक्नोलॉजी ड्रिवेन फैसिलिटी सब इंडियन ग्राहक मानकु मिलिबो। तेबे ए सेवा द्वारा जेकोनोसी ग्राहक 8454955555 नंबर रे मिस कॉल कले रिफिलिंग एवं बुकिंग पई पंजीकरण होई जिवो। राजधानी भुवनेश्वर रे ए सेवा आरंभ होई छे। ताहस एक्सपी 100 बा अधिक गुणवत्ता थिबा इंधन रो द्वितीय पर्याय शुभारंभ करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिग्गबोई विशोधनागारु प्रथम एक्सपी 100 रो बैच को फ्लैग ऑफ करी शुभारंभ करा जाय छे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।